वैसे तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, परंतु नारी शक्ति क्षेत्र स्तरीय समिति का कहना है कि विगत दिनों कोरोना काल बीता है और उस समय ऑक्सीजन के महत्व का पता चला है, जिसे देखते हुए सिर्फ एक दिन विश्व पर्यावरण दिवस नहीं बल्कि हर रोज पर्यावरण दिवस मनाया जाना चाहिए। नारी शक्ति क्षेत्र स्तरीय समिति ने 6 जून को कैंप 2 के गोबर खरीदी केंद्र में वार्ड पार्षद और जोन अध्यक्ष की उपस्थिति में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न कराया और इस मौके पर हर दिवस पर्यावरण दिवस का नारा बुलंद किया। गोबर खरीदी केंद्र परिसर के भीतर छायादार पौधे रोपे गए और जन जन को संदेश दिया गया कि बीते कोरोना काल में पेड़ पौधों से मुफ्त में मिलने वाली ऑक्सीजन को ऊंचे दामों में खरीदना पड़ा ताकि अपनों की जान बचाई जा सके। आगे ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए हर व्यक्ति को यह नारा बुलंद करना होगा कि हर दिवस पर्यावरण दिवस होना चाहिए और हर व्यक्ति को प्रतिवर्ष कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। क्या है भैया, हमारा मानना है कि वृक्षारोपण सिर्फ 5 जून को ही नहीं, वर्ष के किसी भी दिन जब दिल करे, जब मन करे, उस समय पेड़ लगाया जा सकता है। और आज हमारी दीदी बी पौलम्मा जी के माध्यम से नारी शक्ति क्षेत्र स्थानीय समिति है जो हमारे वार्ड में स्थापित है, उनके माध्यम से आज हम सब मिलके, हमारे जोन अध्यक्ष जलंधर सिंह जी भी है यहाँ पर, अध्यक्ष जी है, इनकी सचिव है हमारे बोलबम भाई विकास सिंह जी, सब हम सब मिल करके यहाँ आज वृक्षारोपण के अवसर पर बढ़िया से पेड़ लगाया गया है। और इसका दायित्व लिया गया कि इन सब पेड़ को बढ़िया रोज शाम को आके पानी वानी दिया जाएगा और इनको फल फ्रूट जीवित करने की पूरी कोशिश की, बचाया जाएगा इस पौधों को। और हमारे तरफ से सभी वार्ड और नगर भिलाई के वासियों से अनुरोध है कि ये वृक्षारोपण का कार्य हर रोज जब मन करे, जहाँ भी, या आपका जन्मदिन है उस दिन भी एक पौधा लगा लीजिए, या जब आपको ऐसा अवसर मिले तो पौधा लगा कर कोई अच्छा कार्य करिए। 6 जून, यहाँ 5 जून को पर्यावरण दिवस है, मगर मेरा मानना है कि हम कोरोना काल से देख रहे हैं, जो कोरोना काल में हम पे ऑक्सीजन की कमी हुई, जो ऑक्सीजन हमको खरीदा गया उसके कारण 6 जून 5 जून नहीं, सदा दिन 365 दिन पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन का अहम भूमिका है। जो हम ऑक्सीजन खरीदते हैं वो हमें पेड़ से ऐसे ही मिल जाएगा। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि एक पेड़ जन्मदिन, खुशी के टाइम पे, हर एक बड़े दिन पे पेड़ जरूर लगाए और उसकी सेवा करें। ये हमारा जोन 3 के अंतर्गत गोबर खरीदी केंद्र में विगत हम लोगों ने जो महसूस किया है 2020 में, जिस विषम परिस्थितियों से हमने गुजरा है, उसको अब ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसी समय से एक प्रण लिया हुआ है कि हर वर्ष पर्यावरण को लेकर के हम अपने इस छोटे से गोठान के क्षेत्र में हम एक दो पौधे जरूर लगाएंगे। 2 वर्ष पूर्व भी हम लोगों ने जिन पौधों को लगाया था, हमने उस बार फलदार वृक्ष लगाए, जाम का लगाया, आम का लगाया, तो ये खुशी की बात है कि इन 2 वर्षों में अब हमारा जाम का जो फल पेड़ है अब उसमें फल आने लग गए हैं। तो इस बार हम लोगों ने यही सोचा कि विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ 5 जून ही नहीं, हमारे लिए पूरे 365 दिन है। जो विकराल परिस्थिति हम लोगों ने जो उस समय का जो समय देखा है वो दोबारा ना आए, आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण मिले, उनको ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, हरे भरे वातावरण मिले, जो पटरी के उस पार जो वातावरण है, पटरी के इस पार भी हम लोग ऐसा वातावरण को निर्मित करना चाहते हैं। तो उसी कड़ी में एक छोटी सी भूमिका निभाने के लिए नारी शक्ति क्षेत्र स्त्री समिति विगत 3 वर्षों से लगातार कर रही है और आगे भी इसके लिए प्रयासरत रहेगा। बीते वर्ष में पूरे विश्व ने कोरोना का दंश झेला और इस दंश को झेलते झेलते कितने परिवारों ने अपनों को खो भी दिया। इसे देखते हुए नारी शक्ति क्षेत्र स्तरीय समिति द्वारा दिया गया यह नारा कहीं ना कहीं अपनी सत्यता साबित करता है। इसलिए शायद जरूरी है कि हर दिवस पर्यावरण दिवस के नारे को हर व्यक्ति बुलंद करे और इस पर अमल भी करे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।